कुल्ला जिला के दौरे पर पहुंचे आदित्य ठाकरे ने बालापुर में आयोजित सभा में 40 बागी विधायकों को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सभी गद्दार विधायक अभी इस्तीफा दें और फिर दोबारा चुनाव कराएं, देखें कौन जीतता है। क्या इसके लिए बाकी विधायक तैयार हैं? साथ ही कृषि मंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि अभी तक अतिवृष्टि के जिले में न तो सर्वे किया गया है और न ही किसी तरह की आर्थिक मदद किसानों को पहुंचाई गई है। यदि कृषि मंत्री काम नहीं कर सकते हैं तो कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। किसान आर्थिक रूप से परेशान है और उनकी और किसी प्रकार की राज्य सरकार की ओर से आर्थिक मदद नहीं दी जा रही है। कृषी मंत्री हे नक्की कोण आहेत हे देखील आजच्या शेतकऱ्यांना माहिती नाही, कारण कृषी मंत्री कुठे दिसत आहेत बांधावर नाहीत। मी मध्ये तुम्ही देखील सांगितलेलं की उद्योग मंत्री आणि कृषी मंत्री हे महाराष्ट्राला आहेत की नाही हा मोठा प्रश्न आहे, कारण हे दोन्ही सेक्टर्स मध्ये मोठा घोळ सुरू आहे। कुठेही महाराष्ट्रात उद्योग जगात इन्व्हेस्टमेंट येत नाहीये, कृषी आपण बघताय की कुठेही शेतकरी त्यांचे काही चांगलं काही दिसत नाही, सगळे हाल झालेले त्यांचे। आणि म्हणून मी दोन्ही वेळा राजीनामा मागितलेला, पण कुठेही लाज न बाळगता ते स्वतःच्या राजकीय कार्यक्रमात व्यस्त आहेत, दुसऱ्यांची मजा उडवण्यात व्यस्त आहेत, पण